10 जनवरी को ये रिलीज़ हो चुकी है. इट्स ऑलरेडी स्ट्रीमिंग इन 2 लैंग्वेजेस. इट्स द फर्स्ट बाइलिंगुअल सीरीज़ ऑफ आवर कंट्री. मतलब ये 2 भाषाओं में आपको मिलेगी ZEE5 पे. बंगाली में इसका नाम है कोरगुट रोग और हिंदी में कर्क रोग. और इट्स अ मेडिकल थ्रिलर. और कैंसर प्लेज अ वेरी प्रोमिनेंट कैरेक्टर इन दिस शो अपार्ट फ्रॉम मी एंड हिम एंड रेस्ट हिल से. कैंसर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, प्रोमिनेंट रोल. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कर्क रोग और कोरगुट रोग. एंड बता दिया इन्होंने, मेडिकल थ्रिलर है. मेडिकल इंडस्ट्री, मेडिकल बैकड्रॉप में बैकग्राउंड जो भी बोल लीजिए सब मेडिकल बेस्ड है. एंड शी इज़ प्लेइंग एन ऑटोप्सी सर्जन ब्यास बैनर्जी एंड आई प्ले अ कॉप बोरुन शौरकार. और थ्रिलर है तो इसमें अपने काम करते हुए इनको अचानक एक बार रियलाइज़ होता है कि कुछ 4-5 मौतें जो हैं वो अननेचुरली इंटरकनेक्टेड से लगते हैं उनको कि इतना बड़ा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है. तो वो उसको इन्वेस्टिगेट करने लगती है. और ये कहानी जो है एक्चुअली वो इन्वेस्टिगेशन की जर्नी है. प्लस इनके पर्सनल स्फीयर में भी कहानी है. ये एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर है इस स्टोरी में, तो वो भी कैंसर है. सो अगेन कर्क रोग इज़ रेलिवेंट इन दैट एस्पेक्ट ऑल्सो. या इसमें यही कहना चाहूँगी कि ये दर्शकों के लिए एक मतलब एक्स्ट्रा ऑप्शन है कि अगर किसी को मन करे कि नहीं मुझे चलो बांग्ला में देखना है तो बांग्ला में देख सकते हैं. और किसी को लगा कि हिंदी समझ में आती है, हिंदी ज़्यादा अच्छा लगेगा तो हिंदी में देख लेते हैं. तो एज एन ऑप्शन मतलब ये मतलब ऑडियंस के लिए इट्स लाइक इट्स एन एडेड एडवांटेज फॉर देम. अपार्ट फ्रॉम दैट एज एक्टर्स हमारे लिए ये एक्सपीरियंस काफ़ी इंटरेस्टिंग था, डिफ़िकल्ट भी था. मुझे जैसे लग रहा था ये मेरे लिए एक थिएटर एक्सरसाइज जैसा है कि हर एक सीन, हर एक शॉट आप 2 लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज में आप यू गिव द टेक्स. तो लाइनें याद रखना, दोनों सीन्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस ना हो, सिमिलैरिटीज़ रहे, मुश्किल है. पर ये मेंटेन करना ये मुश्किल था. बट इट वाज इंटरेस्टिंग ऑल्सो, इट वाज फन, इट वाज डिफरेंट. तो और हम यही चाहेंगे कि लोग इसे देखें. अभी ये नहीं बोल सकते कि चलो बांग्ला समझ में नहीं आता है तो हिंदी समझ में नहीं आती है तो जो समझ में आती है तुमको तुम वो चूज़ करके देखो, बट देखो. सर आपको कितना देखा 2 लैंग्वेज में? नहीं, मुझे जितना लगा था कि जितना डिफ़िकल्ट होगा, पहले जब बताया गया था मुझे तो मुझे लगा था बहुत डिफ़िकल्ट होगा कि हर एक शॉट 2-2 बार करना बहुत मेहनत होगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो टीम थी वो बहुत वेल प्रिपेयर्ड थी. उन्होंने बहुत होमवर्क किया हुआ था, जो टेक्निकल टीम है, द कैमरा टीम एंड एवरीवन. सो बहुत ही स्मार्ट तरीके से शूट किया गया है. 2-2 बार हमने किया ज़रूर है, लेकिन जितना मैंने सोचा था उतना डिफ़िकल्ट नहीं था. थोड़ा डिफ़िकल्ट तो है, हर एक सीन आपको, हर एक शॉट आपको 2-2 बार करना पड़ रहा है. और जैसा कि उन्होंने कहा कि कंटिन्यूटी मेंटेन करके, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मैंने इस तरफ देख के बोला, दूसरा मैं उस तरफ देख के बोला, ऐसा नहीं हो सकता है. सो वो तो एक्टर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि याद से करें. लेकिन आई थिंक द होल टीम वर्क वेरी स्मार्टली एंड एफिशिएंटली टुगेदर फॉर दिस. एंड सो इट डिडंट बिकम मच ऑफ एन इशू. एक्चुअली हम लोगों ने जितने दिन का जो हमारा शेड्यूल था उससे थोड़ा दिन पहले ही ख़त्म कर दिया काम. So I think that speaks for the efficiency of the entire team, including the director and the DOP and the brilliant actors that we have, including us. नहीं, देखिए ये कहानी तो सेट तो बंगाल में ही है, ठीक है. सो इसका जो पृष्ठभूमि की बोले उठा गया अभी जाइए ना मैंने इट इज़ सेट इन बंगाल. सो उसमें only the language Hindi is to cater to the wider audience, to cater to the national audience. पर ऐसा नहीं है कि हिंदी के लिए हमने अलग ही दिखाया है, वहीं बंगाल का ही है. तो उस वजह से, बिकॉज जैसे कि थोड़े टाइम, मैं पिक्चर का नाम नहीं लूँगा, मैंने एक फ़िल्म करी थी जो कि कम्प्लीटली बंगाल बेस्ड फिल्म थी, हिंदी में सुपर हिट हुई थी. सो इट डजेंट रियली मैटर, द लैंग्वेज इज़ ओनली टू केटर टू द ऑडियंस, बट द सेटअप जो वहाँ की है वही है. सो मुझे नहीं लगता दैट हैविंग मेड इट इन 2 लैंग्वेजेस इज़ अ बिग डील. is just to increase the audience base. मतलब ऐसा नहीं है कि हिंदी में characters के नाम या surnames बदल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. It's the same. जैसे कि इनका फिल्म मूवी है, तो किसी real life से मिलता जुलता है या फिर? वैसे तो real life से inspired है नहीं, मतलब it's based on a book written by Indraneil Sengupta. It's called. It was a Bengali book called Korogut Kranti. और real मतलब characters काफ़ी वैसे like relatable है, क्योंकि अभी मतलब जैसे मेरा character जो है बियास, वो अपने like at her work front she is very professional, जबकि वो काफ़ी अंदर से like you know she is very like broken, weak post her you know mastectomy surgery. तो अपने पर्सनल स्पेस में वो बहुत ही vulnerable है. she बहुत जल्दी like you know उसे गुस्सा आ जाता है और बॉयफ्रेंड पे काफ़ी चिल्लाती है उसको. देखिए कितना रियल है. हाँ, पर काम पे लाइक यू नो एट हर वर्क प्लेस शी इज़ वेरी प्रोफेशनल, वेरी ऑनेस्ट, एंड सो दैट्स हाउ ह्यूमन बीइंग्स आर. मतलब सबके अपने अपने वीकनेसेस होते हैं, सबके वीक मोमेंट्स होते हैं. लाइक ऑल्सो हिज कैरेक्टर, इफ़ यू सी द सीरीज यू विल अंडरस्टैंड कि सबका ग्राफ मतलब सबके मतलब सबका एक अपना ग्राफ है. देयर आर लाइक ग्रे शेड्स टू एवरी ह्यूमन बीइंग, सो इट्स नॉट ब्लैक एंड वाइट. कोई ऐसा बेस्ट रीजन जो बंगाली और हिंदी दोनों आदमी अगर देखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न जो होना चाहिए वही है कि कहानी बहुत अच्छी है. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी को इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाने की कोशिश की हम लोगों ने. और उसके ऊपर मेकिंग जो है, इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, इन टर्म्स ऑफ द वे इट हैज़ बीन शॉट, इन टर्म्स ऑफ द वे इट हैज़ बीन परफॉर्म, वो सब तो है ही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कहानी. कहानी अच्छी होती है तो सब कुछ अच्छा लगता है. मुझे ऐसा लगता है इसकी कहानी बहुत अच्छी है, इसके कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, और इसीलिए देखना चाहिए. मतलब बंगाली हिंदी क्यों, जो इन दोनों में से नहीं है उनको भी देखना चाहिए, क्योंकि अब तो सबटाइटल्स भी मिलते हैं. तो सबटाइटल्स पे हम तो स्पेनिश शोज़ देखते हैं सबटाइटल्स के साथ, है ना, नेटफ्लिक्स पे देखते हैं. तो अगर हम वो देख सकते हैं तो ये क्यों नहीं देख सकते. तो कहानी अच्छी है बस. बदलाव तो आया है. जैसे मतलब मैं अभी भी जाती हूँ थिएटर पे फिल्में देखने के लिए, बट पहले मतलब कुछ फिल्मों के लिए मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मैं यही मतलब कुछ पर्टिकुलर फिल्में ही मैं थिएटर में जाके देखूंगी. मैं ऑलमोस्ट जो भी फिल्में आती थी मुझे जो लगता था सही है मैं जाके देखूंगी, पर अभी वो बहुत सिलेक्टिव हो गया है. मैं वही फिल्में देखने जाती हूँ जो मुझे लगता है कि मैं इसे मतलब यू नो आई वुड लाइक टू वॉच इट ऑन द बिग स्क्रीन, ये मुझे वो बिग स्क्रीन वाली एक्सपीरियंस से ही मज़ा आएगा, तभी मैं जाती हूँ. अदरवाइज आई वेट फॉर इट टू कम ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म. मतलब मैं ऑनेस्टली ये मतलब एक्सेप्ट कर रही हूँ. हाँ, बट ये बात तो है कि डिजिटल स्पेस में सेंसरशिप अभी तक आई नहीं है थैंकफुली, तो इसीलिए मतलब there's a lot of creative liberty from the writers and the like you know from the directors matlab unke perspective se there's a lot of creative liberty, so you can explore more and not think about ki isko kaat diya jayega baad mein. matlab when you feel that it's required you just like you know put it on the table. ये क्या सवाल है. जो अपने काम किया बॉलीवुड का, कितना अंतर होता है तुम्हें? देखिए एज एन एक्टर तो मुझे कुछ अंतर लगता नहीं है, क्योंकि लैंग्वेजेस अलग हैं बस. बाकी काम को तो परफॉर्म तो उसी तरह करना होता है, उसी तरह स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ती है, उसी तरह मेहनत करनी होती है और उसी तरह से करना होता है. अगर आप स्केल की बात करेंगे तो हाँ, स्केल में डिफरेंस है, क्योंकि दोनों इंडस्ट्री में स्केल में डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ बजट्स, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन. सो हिंदी वाला आपको थोड़ा बड़ा लगेगा इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन वैल्यू एंड ऑल दैट, पर फॉर एन एक्टर मुझे कभी ऐसा डिफरेंस महसूस नहीं हुआ. ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे ऐसा लगा कि मैंने बंगाली में जितना काम किया है वो ज़्यादा सेटिस्फाइंग रहा मेरे लिए, बिकॉज वहाँ पर कहानियाँ बहुत अच्छी होती है, वहाँ पर टैलेंट जितने लोग हैं मतलब छोटी इंडस्ट्री के हिसाब से रेशियो वाइज टैलेंट बहुत ज़्यादा है. ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है, वहाँ पे राइटर्स बहुत अच्छे हैं, डायरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बिकॉज लिटरेचर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन बंगाल. तो उनकी कहानियाँ ज़्यादातर लिटरेचर से उठाई हुई होती है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग कहानियाँ होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स होते हैं. सो मुझे ज़्यादा बेहतर रोल्स मिले हैं वहाँ पर, कोइंसिडेंटली हो या फिर हो कि बिकॉज दे हैव अ वास्ट पूल ऑफ लिटरेचर एंड स्टोरीज़. But otherwise, I have never felt that कि Bengali और Hindi industry में कोई as such काम करने में मुझे कोई difference महसूस हुआ है। अगला तो पता नहीं हम लोगों का तो आप देखेंगे ना तो फिर हमको अगला प्रोजेक्ट मिलेगा। ठीक है।